हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम लोग लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं, उन्हीं गलतियों को करते करते हम लोग लाइफ में कुछ सीखते रहते हैं, तो उन्हीं को सुधारते हैं, सुधारने की पूरी कोशिश भी करते हैं उन्हीं को। अगर आपके किचन काउंटर के पास यहाँ पर चॉपिंग कटिंग वगैरह करने के लिए स्पेस होना चाहिए, किचन काउंटर टॉप खाली होना चाहिए जिससे कि अच्छे से आप चॉपिंग कटिंग वगैरह कर सकें। इस तरीके का ऑर्गेनाइजर आपके पास होना चाहिए ताकि आपके पास जो भी चीज़ों की जरूरत हो उन्हीं चीज़ों को आपके किचन काउंटर के पास रखनी चाहिए, जो कि आप बेसिक नीड है हम लोगों को, उन्हीं चीज़ों को रखना चाहिए जिससे कि आपके किचन ज़्यादा मैसी ना लगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऑयल कंटेनर है एंड घी कंटेनर है, चाय पत्ती चीनी वगैरह यूज़ की हुई है। इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास का एक कप है, मैंने उसको यूज़ किया हुआ। उसमें मैंने सीजर वगैरह है, नाइफ वगैरह है एंड स्पून वगैरह है, कुछ इस तरीके से डालकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेट का यूज़ कर रही हूँ, जो कि यहाँ पर जो हमारे लाइनर क्यूबिक में डालूंगी। जिस तरीके से आप घर में जो ऑयल वगैरह के जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, अगर हम स्लेब में रख देते हैं तो उसमें दाग वगैरह लग जाते हैं। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो आपके ऑयल कंटेनर के दाग भी इजी तरीके से नीट एंड आपकी किचन भी क्लीन रहेगी। इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप लाइनर डाल कर अपने ऑयल कंटेनर वगैरह को रखेंगे तो आपके किचन काउंटर टॉप अच्छी नीट एंड क्लीन दिखेगा और अच्छे से ऑर्गेनाइज दिखेगा। इस तरीके से आप साफ सफाई भी कर सकते हैं आगे पीछे कर। इस तरीके का जो गैस बर्नर वगैरह हमारे होते हैं तो उनको मैं इस तरीके से क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पर मैं गर्म पानी लूँगी, गर्म पानी में मैं इसको अच्छे से डिप कर दूँगी। गर्म पानी में मैंने इसको हाफ टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा डालने के बाद इसमें मैं हाफ टेबल स्पून मैं विनेगर ऐड कर रही हूँ। विनेगर ऐड करने के बाद मैं हाफ टेबल स्पून यहाँ पे इनो ऐड कर रही हूँ। इनो ऐड करने के बाद 5-10 मिनट्स के लिए मैं इसमें डिप करके रख दूँगी, जिससे कि इसके गंदगी रिमूव हो जाएगी और ये क्लीन हो जाएंगे। ये इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, जितना इसको क्लीन होना था उतना ही ये हुआ है, बाकी तो ये वैसे क्या वैसे ही रहेगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से अरेंज कर लिया है, यहाँ साफ़ हो गया है। यहाँ पर कुछ हमारे घर पे कैंडीज वगैरह होती है जो बच्चे वगैरह ले आते हैं, सो इस तरीके से पड़ी रहती है इधर उधर, तो हम इस तरीके से हमें अरेंज कर इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में रख सकते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छे से अरेंज भी दिखेंगे। ये अगर आपके पास कुछ ऑर्गेनाइजर ना हो तो आप इस तरीके से ग्लास जार ले सकते हैं या कोई प्लास्टिक बॉक्स हो आप उस तरीके से ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है। इस तरीके के जो हम लोग ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं कप वगैरह, तो आप इस तरीके से बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो स्लिप वगैरह होने के काफ़ी चांस रहते हैं। आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर को यूज़ करके उसमें अरेंज करके अच्छे से रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके से आपकी किचन भी अच्छी सी वेल ऑर्गेनाइज रखती है। इस तरीके की जो कटोरी वगैरह होती है तो हमें एक साइज़ की ही लेनी चाहिए, जिससे कि हमें रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और ये एक जैसे से सेट की रहती है तो दिक्कत नहीं होती है। और इससे अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो इस तरीके से कम स्पेस में इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अरेंज दिखती है, इससे कम स्पेस की भी बचत होगी, आपकी जगह भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को